दोस्तों मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों कोरोना वायरस का महामारी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह रोज़ 2 लाख 3 लाख सस्पेक्टेड केसेस या इन्फेक्टेड केसेस मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमें इसको काबू करने के लिए तो एक ही उपाय है, घर पर रहिए और बाहर नहीं जाइए। दोस्तों सिंगो आबे जापान के पीएम जापान के मुख्यमंत्री सिंगो आबे ने कहा है कि चाइना से जो भी सेटअप है चाइना का, जो भी कंपनी के मालक चाइना से अपनी कंपनी हटा के दूसरी जगह डालेंगे, मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा और जितना धनराशि चाहिए वो मैं दूंगा, ऐसा सिंजो आबे जापान के पीएम ने कहे हैं। दोस्तों पीएम के जनधन योजना में 500 रुपये सभी को, जो भी लेडीज लोगों का जनधन योजना में है उसमें 500 रुपये जमा कर दिए गए हैं खाते में। यह 3 महीने तक जमा रहते किए जाएंगे। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसे को जो लॉकडाउन पीरियड है वह 30 अप्रैल तक कर दिया है, 30 अप्रैल तक इसको बढ़ा के कर दिया है। ऐसे 4 राज्य हैं जो पीएम के वेट करने से पहले ही अपने लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिए हैं, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा। ये 2-3 राज्य हैं जो पीएम के वेट करने से पहले ही उन्होंने कंडीशन देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या ज़्यादा है इसलिए लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दी है। पीएम भी आज या कल में ऑनलाइन सामने आएंगे और बताएंगे कि लॉकडाउन कितने तारीख तक रहेगा और कहाँ लूज और ढिलाई करना पड़ेगा। जनरली ये लॉकडाउन 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक जो रहेगा वो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, जहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस या सील एरिया है उस राज्य में रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। वहाँ पूरा सील कर दिया जाएगा, वहाँ कोई भी काम, स्कूल, ऑफिस कुछ भी नहीं खुला रहेगा। जो ऑरेंज जोन है वहाँ पे थोड़ा बहुत रियायत दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी सील रहेगा। अब बचा ग्रीन जोन वो राज्य रहेंगे जहाँ पे एक भी केस, इन्फेक्टेड केस नहीं रहेगा और इस राज्य में अंदर में लोग मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन अपने राज्य से या अपने जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों एक मिनट में जान लेते हैं कोविड-19 जो वर्ल्ड पैंडेमिक फैलते जा रहा है उसका आज का स्टेटस क्या है। आज 12 अप्रैल का स्टेटस क्या है जान लीजिए। टोटल इन्फेक्टेड इस विश्व में हो गया है 17,79,099, जबकि डेथ हो गया है 1,08,770 और जो रिकवर हो गए हैं वो है 4,02,709 और जो केस क्लोज हो गए हैं वह है 5,11,479 और जो एक्टिव केस है, करंटली एक्टिव केस है वह है 12,67,620। दोस्तों ये कुछ रिकॉर्ड थे आज का 12th अप्रैल का। दोस्तों टॉप 5 कंट्री जान लेते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा यह फ्लू से इन्फेक्टेड है। पहला यूएसए, अभी भी यूएसए में बना हुआ है। यूएसए में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हो गई है 5,32,879, जबकि सैलरी जिनका डेथ हो गया हुआ है 20,577 और जो रिकवर हो गया हुआ है 30,453 और जो केस एक्टिव है, करंटली एक्टिव हुआ है 4,81,849। दोस्तों सेकंड नंबर पे स्पेन है, थर्ड नंबर पे इटली है, फोर्थ नंबर पे फ्रांस, फिफ्थ नंबर पे जर्मनी और सिक्स्थ नंबर पे चाइना आ गया है। दोस्तों कुछ इस तरह से इंडिया का जान लेते हैं, इंडिया का क्या कंडीशन। इंडिया का आज 12 अप्रैल को टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है 8,446, जबकि सैडली जिनका डेथ हो गया हुआ है 288 और जो रिकवर होकर घर चले गए हैं वह है 969 और जो अभी करंटली में केस चालू है, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है करंटली में वह है 7,189। जी हाँ दोस्तों, 7,000 करंटली जो एक्टिव केस है वह 7,000 है इंडिया में। आप सोच सकते हैं किस तरह से यह जो फ्लू है वो अपना पैर पसार रहा है और लग रहा है कि बहुत लोगों को अपने चपेट में ले लेगा। मानना पड़ेगा चाइना ने इसे फैलाया है या ऑटोमेटिक फैल गया, यह तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ की सरकार, वहाँ की मीडिया, वहाँ की सब कोई कुछ नहीं बोलता। उनके गवर्नमेंट का जब तक आदेश नहीं आता वहाँ से कोई कुछ नहीं बोलता, सब उनके गवर्नमेंट के सुनते हैं, गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, इसलिए यह तो बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन जापान के पीएम सिंजो आबे ने डायरेक्ट कर दिया कि चाइना से जो भी कंपनी है वह हटा के दूसरे देश में कहीं पे भी लगाएंगे तो मैं फुल मदद करूंगा। और बोलना भी चाहिए, बनता ही है, क्योंकि चाइना हर बार एक नया वायरस फैलाता है या फैलता है ये तो बता नहीं सकते, लेकिन चाइना से ही वायरस आते हैं और बहुत लोग इसकी से जूझना पड़ता है, सफ़र होना पड़ता है और पूरी देश की इकोनॉमी हिल गई है, पूरे देश के पैसे खर्च हो गए हैं। अब चाइना, मेरे को तो लगता है चाइना अब देश की कंपनियों को खरीदना शुरू कर देगा अगर ऐसा रहा तो। दोस्तों
आप जितना हो सके घर पर रहें, घर से बाहर ना जाए, यही एक मूल मंत्र है आपको आप अपने आप से बचाने के लिए और दूसरों को फैलने से रोकने के लिए। इसलिए स्टे एट होम एंड सेव लाइफ, घर पर रहिए और दूसरों की जिंदगी बताइए। इस टॉपिक में इतना ही, मैं इस टॉपिक में मुझे दीजिए विदा, फिर मिलेंगे कल नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।